नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला। आज हम बात करने जा रहे हैं डायलिसिस की। डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट। जब आपका किडनी फंक्शन 100% से घटकर 10% से नीचे आ जाता है तो केवल दो ही ट्रीटमेंट्स हैं जिसके सहारे आप जीवित रह सकते हैं, एक तो डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है, उसमें वक्त लगता है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ मेडिकल इवेल्यूशन होती है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस जब भी हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं या कॉमन मैन डायलिसिस के बारे में सोचता है तो एकदम घबरा जाता है, लेकिन डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट है। यानी जो काम आपकी किडनी नहीं कर पा रही उसको आर्टिफिशियली मशीन द्वारा एक किया जा रहा है। किडनी का काम होता है आपके शरीर में जो ज़्यादा पानी इकट्ठा है उसको निकाला जाए, और शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो खाना आप खाते हैं उसकी वजह से जो टॉक्सिन जनरेट होते हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स एडिमिक टॉक्सिन्स बोला जाता है, उसको निकालना होता है। तो अगर आपकी किडनीज ये करने में सक्षम नहीं है और इसको हम नहीं निकालेंगे तो ये जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जो हेल्दी ऑर्गन्स हैं, ये उन पे असर आएगा, जिसमें हार्ट प्रमुख है, लंग्स आता है, फिर ब्रेन आता है और इंटेस्टाइन आता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर है, एक्सेस यूरिमिक टॉक्सिन्स हैं, एक्सेस एसिड इकट्ठा हो गया है तो डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर बन जाता है। जो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा हो कि कोई कहता है कि टेढ़े होके खड़े हो जाइए या अपनी चारपाई के नीचे ईंट रख दीजिए, ये सब अफवाह हैं, ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड और ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। तो जो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें किडनी 10% से कम है, हमें उनको हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। एक ब्लड डायलिसिस होता है जिसमें आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में वो प्योरीफाई होता है और वापस उसे पंप कर दिया जाता है। ये आगे दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डायलिसिस जो कन्वेंशनल डायलिसिस कई सालों से चलता आ रहा है, और एक है हीमोडाया फिल्ट्रेशन, ये एडवांस फॉर्म ऑफ डायलिसिस है। हमारे एस्कॉर्ट्स के यूनिट में ये दोनों प्रकार के डायलिसिस उपलब्ध हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स जो किडनी डैमेज के हैं इनका रेगुलर डायलिसिस चल रहा है। अगर आपका डायलिसिस रेगुलर हो और डायलिसिस ठीक तरह कराएंगे तो आपकी बॉडी में से पानी निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपको भूख अच्छी लगेगी। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आपको किसी की सहायता की भी ज़रूरत नहीं है, और आप रेगुलरली आइए, अपना डायलिसिस कराइए और जाइए जब तक आपके ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट नहीं होता है या आप मेडिकली फिट नहीं होते। लेकिन डायलिसिस को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, डोंट कट कॉर्नर्स ऑन डायलिसिस, क्योंकि रेगुलर डायलिसिस करने से आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और बाकी ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। थैंक यू।